नमस्कार दोस्तों, यदि आप अंधविश्वासी हैं तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि आज के जग में सभी लोग एक दूसरे के लिए अंधविश्वासी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति का रास्ता कट जाए, यदि वह शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसके लिए भी वह रास्ता बदल लेता है, ना कि वह ये जानता है कि यह अंधविश्वास है, फिर भी उस बात पर वह विचार नहीं करता और वह रास्ता बदल लेता है। यदि घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे झट से फेंक देता है, क्योंकि वह भी अशुभ माना जाता है। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुर्भाग्य को घर में बढ़ाती हैं और उन चीज़ों को आपको घर में नहीं रखना चाहिए, जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, नमक का प्रयोग। यदि आपको लगता है कि आपके घर में दुर्भाग्य है तो उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो आप बाएं हाथ से नमक पानी में घोलकर स्नान करते हैं, तो इससे आपका दर्द भी दूर हो और जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वे दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि यदि आप नमक का पोछा घर में कोने से लगाते हैं तो जितने भी बुरी शक्तियां और नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। नंबर दो, टूटा हुआ या चटका हुआ शीशा। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में कुछ शीशे होते हैं जिसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसे घर में शीशे नहीं रखने चाहिए। ऐसे घर में शीशा रखने से दुर्भाग्य आता है और आपके जीवन में भी 7 जन्म होते हैं, हमने अक्सर सुना है, तो 7 जन्मों तक आपकी जो जिंदगी होती है वह सील हो जाती है और आपका सौभाग्य आपसे दूर हो जाता है। यदि आपके घर में कोई ऐसा शीशा है तो उसका चूरा कीजिए और मिट्टी के कणों के साथ उसे धूल में उड़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपकी जिंदगी भी सौभाग्यपूर्ण रहेगी। नंबर 3, चाबी पहनना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग की चैन अपने गले में डाल लेते हैं और की चैन के साथ साथ उसमें 3 चाबियां होती हैं। कहा जाता है यदि ऐसी की चैन है जिसमें 3 चाबियां हैं तो वह व्यक्ति अपने लिए धन, स्वास्थ्य और अपने प्यार के लिए 3 दरवाजे खोल लेता है। हमेशा उसकी जिंदगी में 3 चीजें हमेशा रहेंगी, इसलिए माना जाता है कि यदि आप गले में या फिर हाथ में की चैन पहनते हैं तो उसमें 3 चाबियां जरूर होनी चाहिए। नंबर 4, घोड़े की नाल। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना है कि यदि आपके घर में कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना आए तो उसके लिए आप घोड़े की नाल का प्रयोग कर सकते हैं। घोड़े की नाल को आप लेकर घर के दरवाजे पर लटका दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक चीज दूर रहती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घोड़े की नाल का एक छोटा सा लॉकेट या पेंडेंट बना सकते हैं, जिसे आप अपने गले या फिर हाथ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में दुर्भाग्य नहीं आता। नंबर 5, पूजा करने से। आपने अक्सर सुना है कि भगवान का जहाँ पर दरबार होता है, यानी कि घर में जहाँ भी दरबार होता है तो वहाँ पे सकारात्मक प्रभाव ही रहता है, नकारात्मक प्रभाव कभी भी उसके घर में नहीं आता और दुर्भाग्य तो दूर की बात है। यदि आपके घर में पूजा का स्थान है तो आप वहाँ पर सुबह शाम जो चलें और पूजा करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक प्रभाव भी आएगा और उससे आपके गुड लक भी बना रहेगा और आपके घर में शांति और आपके दिमाग भी शांत रहेगा। तो ये है वह कारण जिससे आपके घर में दुर्भाग्य नहीं आएगा। अगर आता भी है तो इन कारणों को दूर करने के लिए ये उपाय हैं। ऐसे करने से आपके घर में दुर्भाग्य बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।